एक अहम खबर का रुख करते हैं। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम भगवंत मान को कानूनी नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, लुधियाना में डिबेट दौरान जो इल्जाम लगाए गए सन मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों झूठे ते तथहीन इल्जाम लगाने ते सीएम भगवंत मान को हुण नोटिस जिहड़ा है वह भेजा गया है सुखबीर सिंह बादल वालों। दस दिए कि सुखबीर सिंह बादल ने सीएम भगवंत मान को चुनौती दी सी। उन्होंने इस तो पहला बयान देंदे कहा कि जे 10 दिन के अंदर दोष साबित नहीं किए नहीं तो फिर माफ़ी मंगी जाए, ये चुनौती दी सी, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे, ये भी उन्होंने वालों कहा गया। सो इतने झूठे के तथहीन इल्जाम लगाए गए सन, जिस तो बाद ही हुण यह कार्रवाई जिहड़ी है वो की गई, जिस बारे पहला ही चुनौती सुखबीर सिंह बादल वालों मुख्यमंत्री को दी गई थी। दस दिए कि लुधियाना के जिस नाल डिबेट हुई सी, और हालांकि डिबेट के कोई भी विरोधी धिर के आगू नहीं पहुंचे सन, लेकिन उस मौके मंच तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई जड़े ने इल्जाम लगाए सन। सो इन्हों इल्जामों तथहीन करार दिता से, बेबुनियाद झूठे करार दिता से सुखबीर सिंह बादल ने। सो इसे लैके सीएम भगवंत मान को हुण कानूनी नोटिस भेजा गया है सुखबीर सिंह बादल वालों। मुख्यमंत्री भगवंत मान को 5 दिनों के अंदर बिना शर्त लिखती माफ़ी का समा दिता गया। दस दिए कि लुधियाना में डिबेट दौरान लाए इल्जामों का यह मामला है, झूठे के तथहीन इल्जाम लाने से सीएम भगवंत मान को नोटिस भेजा गया। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम भगवंत मान को चुनौती दी सी 10 दिनों के अंदर दोष साबित करन या फिर माफ़ी मंगन, ये चुनौती उन्हां वालों दी गई सी। लेकिन इस विचकार किस तरह का कोई प्रतिक्रम जिहड़ा है मुख्यमंत्री का सामने नहीं आया, तो हुण कानूनी नोटिस जिहड़ा है वह सुखबीर सिंह बादल वालों भेजा गया है, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान को 5 दिनों के अंदर बिना शर्त लिखती माफ़ी का यह जिहड़ा 5 दिन का समा दिता गया। सो अजे विचकार 5 दिन के अंदर जे वह लिखती माफ़ी मंगते ने नहीं तो फिर कानूनी नोटिस जिहड़ा है वह भेजा जाएगा, ये जिहड़ा साफ तस्वीर नज़र आ रही है। तो असीं कोशिश करते हैं अपने सहयोगी नाल गल करिए इस बारे ताज़ा जिहड़ा है अपडेट लईए, लेकिन इस वेले दी एक वड्डी डिवेलपमेंट जो हुई है इस मामले में, क्योंकि तुहानूं याद होएगा जदों खुली डिबेट का एक सद्दा दिता गया सी लुधियाना में, हालांकि विरोधी धिर के जिहड़े कोई भी आगू नहीं पहुंचे सन, और मुख्यमंत्री मंच तो उन्होंने कई तरह के बयान दिते सन, इल्जाम जिहड़े लगाए सन वड्डे सुखबीर सिंह बादल ते भी उन्होंने कई तरह दियां इल्जामबाजियां कीतियां सन। सो उसनों लैके सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ये जिहड़े तथहीन अते बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए ने या तो फिर सबूत पेश करके मुख्यमंत्री अपने इल्जामों साबित करन नहीं तो फिर माफ़ी मंगन, और अजे विचकार हुण 10 दिन बीत चुके ने, तो हुण सुखबीर सिंह बादल ने सीएम भगवंत मान को कानूनी नोटिस जिहड़ा है वह भेजा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को 5 दिनों के अंदर बिन शर्त लिखती माफ़ी का समा जिहड़ा है वह दिता गया। रमन तो अपडेट लैंदे आ, रमन इस बाबत जिहड़ी है चुनौती सुखबीर सिंह बादल ने पहला ही दित्ती सी जदों कि लुधियाना विच जिहड़ी डिबेट हुई सीगी, हालांकि उस विच विरोधी धिर दा कोई भी आगू नहीं पहुंचा सी। सो उस बाबत हुण एक जिहड़ा कदम चुकिया गया कानूनी नोटिस भेजा है। बिल्कुल दादा, 1 नवंबर जिहड़ी पंजाब नूं लैके मुख्यमंत्री वल्लों सद्दा दित्ता गया, डिबेट की गई, इस तों बाद तमाम विरोधी धिरां वल्लों बाईकाट किया गया सी। उन्होंने सीधे तौर ते विरोधी धिरां ने कहा सी कि सद्दा देण दा पहली गल तां तरीका सही नहीं, और दूसरे पासे जिहड़ा पैनल लैके जिहड़ा पैनल अगवाई करेगा उसका मुख्यमंत्री वल्लों जिक्र नहीं किया गया सी, तां तमाम पार्टियां समेत अकाली दल वल्लों भी उस जिहड़ी बहस दा बाईकाट किया गया। इस तों बाद जो उत्ते मुख्यमंत्री वल्लों दावे किए गए थे कुछ कागजात उन्होंने मीडिया सामने जिहड़े अगे दिखाए थी, तो उहदे विच इक वड्डा इल्जाम स्वर्गीय पंजाब दे 5 वार मुख्यमंत्री रह चुके सरदार प्रकाश सिंह बादल दे उपर भी लगाए थे, और गंभीर इल्जाम। बिल्कुल रमन, तुहानूं रोकना चाहांगे, साडे नाल अर्शदीप कलेर जी जुड़ चुके ने, उहनां दे नाल गल करदे आं। कलेर जी, की कहोगे तुसीं, क्योंकि इस बारे चुनौती तां पहलां ही दित्ती गई सी जदों कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना दे विच कहण नूं तां खुल्ली डिबेट सी लेकिन कल्ले ही बोलदे नजर आए सन, सो इस बाबत हुण नोटिस भेजा गया श्रोमणी अकाली दल वल्लों। देखो जिहड़ा 1 तरीक का मुख्यमंत्री साहब का प्रोग्राम सी जी, उहदे च मुख्यमंत्री साहब बोल भी कले रहे सी ते बोल भी झूठ रहे सी जी, ते श्रोमणी अकाली दल ने उसे दिन मुख्यमंत्री साहब नूं चुनौती दित्ती सी कि जो तुसी उत्थे बादल साहब बारे बोले हो या तुसी बादल साहब नूं पंजाब दे पाणियां दी जिहड़ी वंड है उहदे लई जिम्मेवार ठहराया उह सरासर गलत है, ते तुसी इहदे ते माफ़ी मंगो जी। और तुसी देखो भी सूबे का मुख्यमंत्री फैक्ट के उत्ते कितना गलत है कि मुख्यमंत्री साहब कहते जी इन्होंने भाखड़ा कनाल कल्ली अपने खेतों नूं बनवा ली SYL दे चक्कर दे विच, ते मुख्यमंत्री साहब नूं ये नहीं पता कि जिहड़ी भाखड़ा है तां बणी 1955 च, ते जिहड़ा SYL है इहदा काम ज्ञानी जैल सिंह ने 1976 च शुरू किया। सो फैक्चुअली मुख्यमंत्री साहब इनकरैक्ट। फिर मुख्यमंत्री साहब ट्रांसपोर्ट नूं लैके गलत बयानी कर रहे हैं कि जी मैं इन्हां दी बसां इलीगल चलदियां सी मैं बंद करातियां, जिहड़ी कि असीं कहा कि इह वी फैक्चुअली इनकरैक्ट है। मुख्यमंत्री साहब सारा बिजनेस लीगल है, एक भी बस तुसीं बंद नहीं कराई, फिर तुसीं लोकां नूं क्यों झूठ बोल रहे हो जी। सो इस तरीके की जिहड़ी गलत बयानी है, देखो क्रिटिसिजम हैल्दी होवे तां सारियां पार्टियां स्वागत करनगियां जी,
डेमोक्रेसी च हेल्दी क्रिटिसिजम का स्वागत है जी। पर अगर झूठ बोलोगे सिर्फ से सिर्फ विरोधियों को भंडन के लिए विरोधियों की छवि खराब करने के लिए तो खिलाफ असी कार्रवाई करांगे। सो मुख्यमंत्री साहब नू लीगल नोटिस दे के असी उन्होंने 5 दिन का समा दिता कि या तो 5 दिन च माफी मंगो नहीं फिर ये कानूनी प्रक्रिया जी है वो इस तो अगे शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, और जिस तरह के नाल क्योंकि बयान उन्होंने कलेर जी कई उस वेले दिते सन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, खास तौर पर क्योंकि मुद्दा तो एस वाई एल का सी जिसनों लैके ही डिबेट की गल कही गई सी, लेकिन होर सारिया गल् हुई लेकिन एस वाई एल तो कोई गल नहीं हुई, लेकिन एस वाई एल नू लैके जो सरकार का अपना इस वेला रवैया उसका ठीकरा जोड़ा है वो होरना पार्टियां श्रोमणी अकाली दल से फोड़ते नजर आए सर। देखो मुख्यमंत्री साहब इस गल का बिल्कुल हले तक जवाब नहीं दे सके कि पंजाब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के गोडे क्यों टेके जी। पंजाब सरकार के वकील ने उसे गल क्यों कही कि असी तो एस वाई एल बनाने तैयार हाँ, विरोधी धिर नहीं बना दिंदी है, सर्वे टीमा लवाईया, सर्वे टीमा का स्वागत किया। तो जो सारा कुछ तुसी पंजाब के उल्ट करके दिल्लियों आ गए फिर उन्हें सिर्फ से सिर्फ लोगों से झूठ मार के हुण मुख्यमंत्री साहब बचा नहीं जाना, यह झूठ का हिसाब लिया जाऊगा। अगर तुसी माफी नहीं मंगते तो असी लीगल कार्रवाई नू हुण इस नोटिस तो अगे भी फिर लेके जाऊंगे। सो बिल्कुल ये तस्वीर साफ है क्योंकि हुण जो ये नोटिस है 5 दिन का समा दिता गया, जो बिना शर्त तो माफी मंग लेने रही तो फिर यह मामला उत्थे ही खत्म, नहीं तो फिर नोटिस भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नोटिस तो भेज चुके हैं जी असी जी। नोटिस मुख्यमंत्री साहब नू मेल भी कर दिता गया, स्पीड पोस्ट भी कर दिता गया, मीडिया नू भी शेयर कर दिता गया। सो नोटिस कर दिता गया, हुण तां मुख्यमंत्री साहब दे जवाब दी वेट है, नहीं फिर इस तों बाद असी जिहड़ी इहदी अगली जिहड़े लीगल स्टेप्स हैगे आ उह शुरू कर देंगे जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गल करन दे लई। सो नोटिस जिहड़ा है उह भेज दिता गया, बिना शर्त माफी मंगन, नहीं तो फिर अगला कदम चुकया जाएगा। अर्शदीप कलेर वालों ये जिहड़ा साफ किया गया। सो ये मामला जिस नाल एक तरीक नू जदों की डिबेट सदी गई सी लुधियाणा दे विच, हालांकि मुद्दा जिहड़ा शुरू होया सी एस वाई एल नू लैके ही शुरू होया सी, विरोधी चाहुंदे सन कि इससे लगातार जड़ा है बहस होए, सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे क्योंकि सरकार जड़ा है बार कुछ जनता नू कह रही है लेकिन कोर्ट के जो जो पेश किया गया उस वखरा स्टैंड है। सो अजे विचकार इतने खुली डिबेट जी है गल कही गई थी लेकिन डिबेट कुछ होर ही रूप धार गई, कोई विरोधी धिर के आगू नहीं इतने पहुंचे, सगो जिस तरह के नाल इल्जाम लगाए गए विरोधियों से निशाना साधया गया मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों, उसनों लैके श्रोमणी अकाली दल ने हुण ये जो कानूनी नोटिस मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजा है।